हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नजराना। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कटलेट्स, जो बहुत ही फटाफट बन जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने थाली में एक चम्मच मैदा लिया है। एक चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। दो मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने पहले से ही बॉयल करके हाथ से मैश कर लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 250 ग्राम चिकन, जिसको मैंने नमक और काला मिर्च डाल के बॉयल किया था और ठंडा होने पर उसके रेशे हाथ से अलग कर लिए, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। एक चम्मच लाल मिर्ची इसमें ऐड करेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके इनका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मिक्सर रेडी है। और चलिए हम इसके कटलेट्स बनाते हैं। हाथ पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और अपने हाथों की मदद से हम इसकी छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे। आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। इसी तरह से हम सारे कटलेट्स रेडी कर लेंगे और कम से कम आधे घंटे के लिए हम उनको फ्रिज में रख देंगे। तो इतने कटलेट्स फ्रिज में रखे हैं, चलिए हम इसकी कोटिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लिया है। एक कटोरी में मैंने एक अंडे को डाला है, जिसके अंदर मैंने नमक और काला मिर्ची पाउडर डालकर अच्छे से फैट लिया है। यहाँ पर गैस पर पहले ही तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। कटलेट्स को पहले हम अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब लगाकर हल्के हल्के हाथ से तेल में फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे और इसी तरह से हम दूसरे कटलेट्स भी पहले अंडे में डिप करेंगे और बाद में ब्रेड क्रम्ब लगाकर उन्हें भी हम तेल में फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम एक एक करके सारे कटलेट्स फ्राई कर लेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद जब उनका कलर हल्का ब्राउन हो जाएगा तो हम एक एक करके उनको पलट देंगे। जब दोनों तरफ से कटलेट्स का कलर ब्राउन हो जाएगा तो हम उनको अच्छे से प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने कटलेट्स को शैलो फ्राई किया है। और ये देखिए, कटलेट्स बनकर रेडी हैं। इसी तरह से हम बाकी बचे कटलेट्स भी हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, कटलेट्स बनकर रेडी है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।